बाइक लेंगे ना। हाँ बाइक कर रनिल हो सच थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। गुस्सा इस बात का आता है कि लोग थोड़ा माइंडफुल क्यों नहीं हो पाते। जब मैं सुबह इधर आ भी रही थी तभी मैं बोल रही थी कि इतना कचरा हम इंसान ही पैदा करते हैं पता है, और फिर नेक्स्ट डे हम में से ही कोई जो सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी एनवायरनमेंट और हम ही जाके उसको क्लीन करते हैं। सो पहली बात तो ऐसा है कि आई फील गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और सारे बीचेस को आप बैरिकेड लगा दो ना और मैन मेड पूल्स बना दो। हाउ इज़ इट सो डिफ़िकल्ट, मुझे समझ में नहीं आता। अगर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो आप कहते हो कि ठीक है उसको बीच पे या समुंदर पे या ऐसी जगह पे ये करना है, विसर्जन देना है, तो आप बीच पे इतने बड़े पूल बनाइए ना, 7 फीट 8 फीट 10 फीट 20 फीट का पूल बना दीजिए, मैन मेड पूल जिसमें आप विसर्जन दे सकते हो। एंड बैंड कर दो कि इको फ्रेंडली गणपति के बिना कुछ और गणपति बनेगा ही नहीं। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट जो हम ले सकते हैं ये ठीक करने के लिए। साथ ही हमने देखा कि लाइक वाइल्ड बीच क्लीनिंग यू गॉट मेनी थिंग्स ओवर देयर, सो वाज देयर एनी सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक व्हिच पीपल शुड नॉट पुट ऑन बीच? एग्जैक्टली, देयर आर लाइक सिगरेट पैकेट्स, फिर पानी के बॉटल, चिप्स के पैकेट्स, मैगी के पैकेट्स। एक तो मुझे समझ में नहीं आता बीच में आके कौन मैगी खोल के उधर बनाते हैं, बट एनीवेज़ अगर आप बनाते भी है खाते भी है दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आप चिप्स खा रहे हैं आप भरा हुआ चिप्स का पैकेट घर से इधर तक लेके आ सकते हैं ना, दिस इज़ नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आप खाली पैकेट भी घर तक लेके जा सकते हो ना, या किसी डस्टबिन तक लेके जा सकते हो और उधर फेंक सकते हो। आई थिंक इट्स जस्ट दैट हम लोग ही इतना माइंडफुलनेस नहीं होते हैं। इट्स जस्ट वेरी सैड। या तो फिर ना इतना सिक्योरिटी होना चाहिए, ऐसे ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, रैदर तुम आप एम्प्लॉयमेंट कर दो लिटिल मनी में जो भी है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट मे बी आप एम्प्लॉयमेंट कर दो और सबका बैग चेकिंग करो। होटल्स में बैग चेकिंग होता है, एयरपोर्ट में बैग चेकिंग होता है, कोई प्लास्टिक का सामान आप बीच में लेके ही नहीं जा सकते। आप एक साल ये करके देखो ना, हमारा बीच, हमारा पानी इतना क्लीन हो जाएगा कि इट विल बी सो नाइस एंड हेल्दी। आपका इकोसिस्टम ख़राब नहीं होते, कुछ भी नहीं, ओशन लाइफ ख़राब नहीं होंगे। जैसे कि आपने ये साल अभी लाइक बीच क्लीनिंग किया है, इफ नेक्स्ट ईयर यू आर गेटिंग अ चांस टू डू समथिंग, आई विल ऑलवेज लव टू डू एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू सच थिंग्स, बिकॉज लाइक आई सेड इनिशियली दीज थिंग्स रियली इरिटेट्स मी। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं जुहू में सी प्रिंसेस में जब मैं स्विमिंग सीखने जाती थी तभी मैं सुबह जब बीच देखती थी ना, इट इज़ सो डर्टी कि आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, वाई, यक्स, मतलब कैसे लोग कर सकते हैं। मतलब सुबह सुबह 7 बजे भी इतना गंदा रहता है। सो मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही हमने देखा बहुत से लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं बीच क्लीनिंग के टाइम पे, लाइक
सो रिसोर्ट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव एंड इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव दैट रिसोर्ट हैज़ टेकन की और मुझे भी इस कारण एक मौका मिला है बीच क्लीन करने का. सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दे शुड कीप इट अप. सीरियसली मुझे नहीं पता है. एवरी ईयर दे से आई एम गोइंग फॉर बिग बॉस. तो ये आई थिंक 6 साल से चल रहा है मेरा और बिग बॉस का इश्क प्यार वाला रिलेशनशिप चल रहा है. सो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एड कैंपेन. सो या सिंस नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा इज अराउंड द कॉर्नर आई हैव अ लॉट ऑफ एड्स इन द पाइपलाइन. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट यार. इट्स फन. मासेस को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट. मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच भी अगर आप जब आते हैं तो थोड़ा सा माइंड पर बैग में ही सामान लेके आते हैं ना, तो वो बैग में ही रिटर्न लेके जाइए. इवन इफ़ यू आर स्मोकिंग दैट्स योर पर्सनल चॉइस. वो सिगरेट का पैकेज अंदर मत फेलिए. वो यू नो वो समुंदर की चीज़ें आपके घर तक नहीं आते हैं ना, तो आप अपनी घर की चीज़ें समुंदर में क्यों फेंक रहे हो. दैट इज़ नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट योर टेरिटरी. सो थोड़ा सा अगर आप माइंडफुलनेस रख सकते हैं, थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं नेचर से, बिकॉज इसी नेचर में आपको रहना है और आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों को ये यूज़ करना है. सो इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज शूटिंग अप, यू नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, भगवान नहीं कर रहे ऊपर से. सो लिटिल माइंडफुलनेस विल बी ग्रेट. Thank you so much. Hi, poor thing, you're sweating so much. You want some water? ये कैंडिड हां अभी जमा मैं अभी स्टार्ट करो आप. और एक पैकेट दीजिए ना ग्रीन वाला. मतलब 5-7 देना. और एक ग्रीन वाला. आप मत आप मत आगे मत. अरे अश्विन क्या कर रहा है? हेलो सर सर आप वो साइड जाइए ना प्लीज. आओ ना वो तो गैप. अरे आप डालिए उनको डालने. आप बाइट लेने वाले देखो अच्छा वीडियो है. Thank you.
आगे पीछे अगर आपको डाल रहे हैं।